हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल, ऑथर ऑफ द बुक्स क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। आज का टॉपिक है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। देखिए बेसल जो जगह है वो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में बेसल जगह है। बेसल में क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है बेसल में, बेसल स्विट्जरलैंड में। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है, ये ओन्ड करता है, ओन्ड बाई 60 सेंट्रल बैंकर्स, आरबीआई भी इसका मेंबर है। तो सबसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझने से पहले हम बात कर रहे हैं बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल जगह है स्विट्जरलैंड में, बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो ग्रुप है, 60 सेंट्रल बैंकर का ग्रुप है, जो कि बैंकों को एडवाइस करता है, सुपरवाइज करता है, हेल्प करता है इंटरनेशनल सेटलमेंट में, इंटरनेशनल पॉलिसी बनाता है बैंकों के लिए, आरबीआई भी इसका मेंबर है। बेसल कमिटी है, इसके 45 मेंबर हैं। बेसल कमिटी जो है इसके 45 मेंबर हैं, जो कि सेंट्रल बैंकर्स हैं या मॉनेटरी अथॉरिटी हैं गवर्नमेंट की। तो बेसल कमेटी जो बनाई है वो 45 मेंबर ने, यानी जो सेंट्रल जैसे आरबीआई हो गई, जो सेंट्रल गवर्नर हो गए वो इसके मेंबर हो गए। बेसल कमेटी बैंकों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती है, इंटरनेशनल बेसल कमेटी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है। ये बैंकिंग कंपनियों के लिए रेगुलेशन बनाती है, जिससे कि बैंकों में कोई क्राइसिस ना आए या क्राइसिस आने से पहले ही प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सके। तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने 1988 में फ्रेमवर्क जारी किया, जिसे हम बोलते हैं बेसल 2004 में फ्रेमवर्क जारी किया, जिसे हम बोलते हैं बेसल 2, और 2010 में रिसेंटली फ्रेमवर्क जारी किया, उसे हम बोलते हैं बेसल 3 रेगुलेशन, बेसल 3। ये जो 2010 में जो बेसल 3 रेगुलेशन आए, आपको ध्यान हो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2007 से 2009 के बीच में। तो फिर बेसल कमेटी बनी, बेसल कमेटी ने 2010 में रिकमेंडेशन दी, बेसल कमेटी रिकमेंडेशन जारी करती है जो सेंट्रल जो सेंट्रल बैंक है वो उनको फॉलो करते हैं। तो बेसल 3 रेगुलेशन 2010 में आए, तो बेसल 3 जो रेगुलेशन जारी करता है, उसने रेगुलेशन जितने भी जारी किए हैं ये मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी पर जारी है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बेसल अकॉर्ड बोलते हैं, बेसल फ्रेमवर्क बोलते हैं, बेसल रेगुलेशन बोलते हैं, इन्होंने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, बैंकों को कितनी कैपिटल रखनी चाहिए उसके ऊपर उन्होंने रेगुलेशन जारी किए।
तो क्लियर है, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, आरबीआई भी इसका मेंबर है। ये जो कमेटी 2010 में रिसेंटली बेसल 3 आए थे, ये इन व्यू ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए आए थे। अब जो बेसल 3 सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल रेगुलेशन। बेसल जितने भी आए थे, बेसल अकॉर्ड 1, 2, 3, इन्होंने मिनिमम कैपिटल बताई थी बैंकों को, कितनी मिनिमम कैपिटल रखनी है। तो इसके हम बोलते हैं कैपिटल रेगुलेशन, बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन। एक तो इसने बताया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंकों को कितना रखना है, इसने बताया कि 8% रखना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, डिटेल में अभी हम बताएंगे। इसके बाद बताया कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इसने बोला 2.5% सीसीबी रखना है, सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तीसरा है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, और चौथा है लीवरेज। चौथा है लीवरेज रेशियो। ये चारों क्या है, बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन में आते हैं। ये बेसल 3 ने बोला, लेकिन आरबीआई कहती है नहीं, आपको 8% दी जाए, कितना रखना है 9%। इसमें भी आरबीआई ने क्या किया, ज्यादा क्वेश्चन रखा, ज्यादा बफर रखा। ये बोला 2.5%, आरबीआई ने बोला 2.5%। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर 0 से 2.5% रख सकते हैं। अभी आरबीआई ने इसको बोला नहीं है, अभी आरबीआई ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, नो नोटिफिकेशन। और लीवरेज रेशियो इसने बोला है 3%, आरबीआई कह रहा है नहीं, आप 3.5% लीवरेज रेशियो रखिए। मतलब जैसे होता है ना कि हम थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन लेके चलते हैं, तो बेसल 3 ने जो रिकमेंड किया, आरबीआई ने उससे ज़्यादा ही प्रेस्क्राइब किया। अब हम एक ही करके देखते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। आपने देखा होगा पीएमसी बैंक है, पीएमसी बैंक में जो फ्रॉड हुआ है उसकी वजह से लोगों का पैसा एकदम से ब्लॉक हो गया, बैंक के पास कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई ने कहा है कि भाई बैंकों को 9% कैपिटल एडिक्वेसी रखनी है, 9% कैपिटल रखनी है, जिससे कि जब भी क्राइसिस आए तो वो डिपोजिटर को पैसा पे कर सके। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR जो हम निकालते हैं, वो निकालते हैं कैपिटल, कैपिटल का मतलब है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क एडजस्टेड टोटल असेट। इसको हम बोलते हैं CRAR, कैपिटल टू रिस्क एडजस्टेड, कैपिटल टू रिस्क एडजस्टेड असेट रेशियो, असेट रेशियो। इसको हम CRAR भी बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क एडजस्टेड असेट रेशियो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब हम बात करते हैं Tier 1 कैपिटल की और Tier 2 कैपिटल। Tier 1 कैपिटल होती है इक्विटी शेयर कैपिटल,
रिजर्व्स एंड सरप्लस, टीयर वन कैपिटल होती है कोर कैपिटल, इसको हम बोलते हैं कोर कैपिटल, और गोइंग कंसर्न कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जो किसी भी लॉस को एब्जॉर्ब कर सकती है, कंपनी को या बैंक को वाइंड अप करने की जरूरत नहीं है। गोइंग कंसर्न कैपिटल है जो किसी भी लॉस को, फाइनेंशियल क्राइसिस को एब्जॉर्ब कर सकती है, बैंक को बंद करने की जरूरत नहीं है। टीयर टू कैपिटल होती है प्रीफरेंस ईयर कैपिटल, रेवोल्यूशन रिजर्व, रिवेल्यूशन रिजर्व का हम केवल 45% लेते हैं। रिवेल्यूशन रिजर्व क्या होता है कि आपकी फर्नीचर है 10,000 का खरीदा, आप रिवेल्यूशन कर रहे हो 15,000 पे। कोई भी आपकी असेट है जैसे गोल्ड है कंपनी के पास, गोल्ड का आप रिवेल्यूशन किया, बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग का रिवेल्यूशन किया, तो जो प्रॉफिट हुआ उसे रिवेल्यूशन रिजर्व बोलते हैं। लेकिन रिवेल्यूशन रिजर्व का हम केवल कितना लेते हैं, 45% लेते हैं। और टीयर वन में कैपिटल रिजर्व भी आता है, कैपिटल रिजर्व ड्यू टू सेल ऑफ असेट। कोई हम असेट को बेचते हैं, जो कैपिटल रिजर्व होता है वो टीयर वन कैपिटल में आता है। तो टीयर वन कैपिटल होती है कोर कैपिटल और गोइंग कंसर्न कैपिटल, और टीयर टू कैपिटल होती है गोन कैपिटल, जिसका यूज कब होता है, आप रिवेल्यूशन जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, जब लिक्विडेशन होता है। गोन कैपिटल कैपिटल कब यूज होगी, लिक्विडेशन में, जब वाइंड अप होगा कंपनी का, क्योंकि आपका गोल्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी तभी आप पैसा निकाल पाओगे। तो गोन कैपिटल यूज होती है लिक्विडेशन और वाइंड अप में, टीयर टू कैपिटल। अब बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड टोटल एसेट की। टीयर वन कैपिटल होगी, टीयर टू कैपिटल होगी, रिस्क एडजस्टेड टोटल एसेट। रिस्क एडजस्टेड टोटल एसेट कैसे आती है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी है, ये असेट है। असेट में कैश है बैंक के पास, सपोज ये एसबीआई बैंक है, बैंक के पास है 1,00,000 का कैश है, क्या इसमें कोई रिस्क है, इसमें 0% रिस्क है। तो रिस्क असेट एसेट कितनी हो गई, 0 हो गई, 0% रिस्क है। कैश विद अदर बैंक, कैश विद अदर बैंक सपोज आपका कितना है, 25,00,000 है, तो आरबीआई ने डिसाइड किया भी कैश विद अदर बैंक, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क है क्योंकि दूसरी बैंक भी डूब सकती है, तो इसमें इन्होंने 20% रिस्क रखा है। तो 20% रिस्क है, 20% रिस्क है, तो रिस्क एडजस्टेड असेट कितनी हो गई, 5,00,000 हो गई। इसी तरह लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक ने इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में की है या ऐसी सिक्योरिटी में की है जिसमें गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, तो कितना रिस्क है, 0% रिस्क है। सपोज 1,00,000 किया और 0% रिस्क है तो कितना आ गया, रिस्क एडजस्टेड असेट कितनी हो गई, 0 हो गई, यहाँ भी 0 या 5,00,000 या 0। इसी तरह बैंक ने लोन दिए, बैंक ने लोन दिए, लोन गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, कोई रिस्क है क्या, कोई रिस्क नहीं है, 0% रिस्क है। तो रिस्क एडजस्टेड असेट, रिस्क एडजस्टेड असेट हम कैसे निकालते हैं कि जितनी भी टोटल असेट होती है आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है कि किस असेट में कितना परसेंट रिस्क है। फर्नीचर फिक्चर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो सब 100% रिस्क है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी असेट है उसको रिस्क वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रिस्क एडजस्टेड असेट आ जाती है और आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आता है। तो बेसल थ्री ने बोला है कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% होना चाहिए, लेकिन आरबीआई कहता है 9% होना चाहिए, हमने क्वेश्चन ज्यादा ही रखा है। अब 8% में ये कहता है कि जो आपका 8% में टीयर वन है 4.5% होना चाहिए, क्योंकि टीयर वन तो अच्छी कैपिटल है, लेकिन आरबीआई कहता है नहीं, आपका कितना होना चाहिए टीयर वन,
आरबीआई कहता है 5.5% होना चाहिए, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% होना चाहिए, जिसमें टीयर वन कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5.5% होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर देखिए, जब आपका नॉर्मल टाइम चल रहा है, जब बैंकों में नॉर्मल टाइम चल रहा है, तो बैंकों को 2.5% सीसीबी मेंटेन करना है। और किसमें करना है? इन टीयर वन कैपिटल। आरबीआई ने कहा है कि भाई जब आपका नॉर्मल टाइम चल रहा है तो आपके बफर बनाइए, बफर मतलब कुशन, कुशन रखिए आप कि कभी भी कोई भी स्ट्रेस आए तो आप इस बफर का यूज कर सकते हैं, इस बफर का आप यूज कर सकते हैं जब भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आए। तो आरबीआई ने बोला है आपको कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना रखना है 2.5%, किस फॉर्म में रखना है? टीयर वन कैपिटल के फॉर्म में, टीयर वन कैपिटल के फॉर्म में आपको कुशन रखना है। तीसरा है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ये कहता है जब आपका गुड टाइम चल रहा है, ये तो नॉर्मल टाइम था, गुड टाइम या क्रेडिट ग्रोथ है, गुड टाइम क्रेडिट ग्रोथ है, तो आपको 0 से 2.5% CCCC रखना है इन टीयर वन कैपिटल, जब आपका गुड टाइम चल रहा है। अभी आरबीआई ने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, अभी गुड टाइम नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ इतनी है नहीं इकोनॉमी में, तो अभी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को आरबीआई ने एक्टिवेट नहीं किया है, नॉट एक्टिवेटेड बाई भैया। इसी तरह मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जैसे फर्नीचर एंड फिक्चर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन सब में क्या है 100% रिस्क है, 100% रिस्क फैक्टर है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। एक होते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम, एक होते हैं जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के नीचे ये जो बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट के नीचे एक फुटनोट होता है, फुटनोट बैलेंस शीट के नीचे नोट्स देते हैं हम, इसमें आती है कंटिजेंट लायबिलिटी। जिसको हम बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। देखिए जो आइटम बैलेंस शीट में आ रहे हैं वो तो बैलेंस शीट में आई गए, जो बैलेंस शीट के बाहर है जिनको हम बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इनको हम बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। बैंक एलसी ओपन करती है, बैंक बैंक गारंटी देती है, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करती है, बैंक गारंटी देती है, ट्रेड क्रेडिट देती है, तो बहुत सारी कंटिजेंट लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के केस में क्या हुआ था, पीएनबी ने एलसी इश्यू की लेकिन क्या हुआ, नीरव मोदी ने फ्रॉड कर दिया, तो वो जो ऑफ बैलेंस, तो वो क्या थी, कंटिजेंट लायबिलिटी थी एलसी इश्यू की, तो एलसी बैलेंस शीट में नहीं आएगी, वो किस में आएगी, कंटिजेंट लायबिलिटी में आएगी, ऑफ बैलेंस शीट आइटम आएगा। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम के केस में भी 100% रिस्क है, 100% रिस्क है। तो जब हम रिस्क एडजस्टेड टोटल एसेट निकालते हैं तो बैलेंस शीट के आइटम भी आते हैं और ऑफ बैलेंस शीट आइटम दोनों ही आते हैं। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम के केस में क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर हम 100% लेके चलते हैं कि 100% रिस्क है। इसके बाद बात करते हैं लीवरेज रेशियो।
लीवरेज रेशियो क्या है? लीवरेज रेशियो आरबीआई कहता है, बेसल थ्री कहता है कि 3% लीवरेज होना चाहिए, आरबीआई कहता है 3.5%। लीवरेज रेशियो कहता है कि आपका जो टोटल एक्सपोजर है और टोटल कैपिटल है, तो आपका जो कैपिटल है वो 3.5% कैपिटल होनी चाहिए, 3.5% से कम नहीं होनी चाहिए। लीवरेज रेशियो होता है टीयर वन कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपोजर। देखिए यहां पर रिस्क एडजस्टेड टोटल असेट थी, यहां पर टोटल एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब टोटल जो आप लोन्स दे रहे हो, जो आपका टोटल एक्सपोजर है। एक्सपोजर में बैलेंस शीट आइटम भी आएंगे, बैलेंस शीट में भी आपने लोन दिए हैं और ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी आएंगे। यहां पर भी 100% क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर है, एलसी हो गई, बीजी हो गई, ये सारे क्या है, ऑफ बैलेंस शीट आपकी लाइबिलिटी है। तो जितना भी आपका टोटल एक्सपोजर है और टीयर वन कैपिटल, तो कितना होना चाहिए, 3.5% होना चाहिए। ऐसा इसलिए है, लीवरेज रेशियो इसलिए कि ऐसा नहीं हो कि आप क्या लोन पर लोन देते जा रहे हो, आपको अच्छी गुड कैपिटल भी रखनी है। एकदम से डिपोजिटर, जैसे पीएमसी बैंक में डिपोजिटर आ रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, इसलिए आरबीआई ने लिमिट रखी कि पहले लिमिट रखी कि आप 6 महीने में 2000 निकाल सकते हो, फिर बोला 25000 निकाल सकते हो, आप बोला 40000 निकाल सकते हो। तो आपका लीवरेज रेशियो, अगर बैंक इस लीवरेज रेशियो को बढ़ा देता है, 4% कर देता है, तो उससे क्या होगा, 4 कर देता है या 5% कर देता है, तो उससे क्या होगा, बैंक के पास कैपिटल ज्यादा होगी, तो जब भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा तो बैंक रिपे कर सकता है। लेकिन ज्यादा लीवरेज रेशियो होने से क्या होगा, बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा, बैंक कम लोन दे पाएंगे, क्योंकि ना लीवरेज रेशियो रखना है। इसी तरह साइक्लिकल कैपिटल बफर जो बना था कि आपका गुड टाइम्स हो, क्रेडिट ग्रोथ हो, तो आपको 0 से 2.5% काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर रखना है कि जब भी स्ट्रेस आए तो आप रिपे कर सको, आपके पास बफर हो, कुशन हो पेमेंट करने के लिए। दूसरा, ये इसलिए भी बनाते हैं कि ऐसा नहीं हो आप लोन पर लोन बांटते जा रहे हो और सारे डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक होता है डोमेस्टिकली डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट। DSIB, देखिए RBI क्या करता है, हर साल DSIB डिक्लेयर करता है, जैसे SBI है, ICICI बैंक है और HDFC बैंक है, ये सारी बैंक क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक है। ये इतनी बड़ी बैंक है, अगर ये डूब गई तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। इन बैंकों के करोड़ों कस्टमर है, ये बैंक जब डूबेंगी या इन बैंकों में कोई क्राइसिस आया तो इसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इन बैंकों को RBI ने डिक्लेयर किया डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक। जब हम इनको DSIB डिक्लेयर करते हैं तो इनको कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ती है, जैसे SBI को 9% की जगह 0.6% और एक्स्ट्रा रखनी है कैपिटल, ICICI और HDFC को 0.20% एक्स्ट्रा टीयर वन कैपिटल रखनी है, SBI को 0.6% और ICICI HDFC को 0.2% एक्स्ट्रा टीयर वन कैपिटल रखनी है। SBI को ज़्यादा इसलिए रखनी है क्योंकि NPA ज़्यादा है, प्राइवेट बैंकों के NPA कम है। इसी तरह DSIB को 4% लीवरेज रेशियो रखना है, अदर बैंकों को 3.5% रखना है, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपोर्टेंट बैंक को 4% लीवरेज रखना है, क्योंकि ये बैंक कभी डूब ना जाए इसलिए इनको ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप जो
नोट्स हैं वो आप iaselfstudy.com से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।